उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जिले के 49 केंद्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 23,130 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन 11,125 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। लगभग 12,005 परीक्षार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया। दो पालियों में आयोजित परीक्षा में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। इस मौके पर परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों ने कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र बहुत अच्छा आया था, उम्मीद है कि जब रिजल्ट घोषित होगा तो परिणाम बेहतर आएंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए परीक्षार्थियों तथा एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, पेपर बढ़िया था। इसके पहले भी आपने एग्जाम दिया? इसके पहले मैंने एग्जाम नहीं दिया है। क्या लग रहा है, क्या आपने पेपर दिया? अच्छा लग रहा है। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा था। निधि सिंह का एग्जाम आज समीक्षा अधिकारी का एग्जाम था। 2016 पेपर हुआ? पेपर अच्छा हुआ है। कैसा पेपर आया था? ठीक आया था। इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया? हाँ हाँ। क्या लग रहा? जितना सोचा था टफ आएगा उतना आया नहीं था। आशा निकल जाएगा। हाँ हाँ। ब्रजकिशोर अधिकारी 2016 का था। कैसा रहा आपका एग्जाम? ठीक ही रहा है। इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया है? हमने दिया है। पेपर कैसा है? पेपर ठीक रहा है, थोड़ा सा कुछ करेंट के क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं ठीक नहीं रहे जी। हम आशा की जा सकती है। सर एग्जाम में कितने परीक्षार्थी भाग लिए? परीक्षार्थी 23,130 परीक्षार्थी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 11,125 विद्यार्थी ही उपस्थित हुए, 12,005 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। पूरे कितने बजे तक परीक्षा? 9:30 से 11:30 थी, 2:30 से 3:30 थी। और ये परीक्षा कुशलतापूर्वक, नकल विहीन, सुचतापूर्वक संपन्न हो गई।